So hi everyone, welcome back to another very exciting video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I'm your biology mentor. In this video, we are going to start the most basic unit of biology, that is cell. इस यूनिट के अंदर तीन चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पूरे की पूरी यूनिट को हम लोग सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कवर कर लें। आज मंडे है, अगले मंडे तक यानी इन 7-8 दिनों के अंदर हम तीन चैप्टर्स को टारगेट कर रहे होंगे। एंड वी आर गोइंग टू टारगेट दिस यूनिट इन टॉपिक वाइज मैनर, जैसा कि हमने हमारे सिलेबस को स्टार्ट किया था। तो सेल वाले चैप्टर को हम लोग 5 अलग अलग सब टॉपिक्स में बांटेंगे। पहला सब टॉपिक जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट इज सेल, सेल आखिर होता क्या है, इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है। 8.2 टॉपिक जो है वो डिटेल में डिस्कस करेगा सेल थ्योरी को, यानी स्क्लेडन, स्वान और रुडोल्फ विर्को साहब का बायोलॉजी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था एंड सेल थ्योरी क्या थी और जो भी उसके जनरल पॉइंट्स थे वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक 8.3 वी विल टेक एन ओवरव्यू ऑफ सेल कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, द बेसिक डिफरेंस, और उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक सेल और उसके अंदर पाए जाने वाले अलग अलग कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे इन टॉपिक 8.4 और 8.5 जो कि इस चैप्टर का मेन पार्ट है, जहां से क्वेश्चन बनेगा, जो सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि एनसीईआरटी में सब टॉपिक्स में उसे डिवाइड किया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, देन योर क्लोरोप्लास्ट है। हम इन्हें अलग अलग ना पढ़ के एनसीईआरटी की हेडिंग्स के हिसाब से ही चलेंगे तो वो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। आई थिंक वो लेक्चर हो सकता है 1.5-2 घंटे का हो, तो उसे हम लाइव भी ले लेंगे, राइट? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी डिस्कशन को फ्रॉम द टॉपिक 8.1, दैट इज व्हाट इज सेल। तो सेल क्या होता है ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो एक बार जान लेते हैं कि सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, या फिर बचपन से आप जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उस डेफिनेशन के अनुसार सेल इज फंडामेंटल। ओके, फंडामेंटल मतलब एकदम बेसिक, सेल इज फंडामेंटल, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल जो है वही आगे चल के स्ट्रक्चर बनाता है और वही आगे चल के फंक्शन करता है। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब रिएक्शंस का जो सार है वो अगर हम देखें तो ज्यादातर रिएक्शंस कहां पर होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, विच इज अ मेन पार्ट ऑफ सेल। यानी कि जो फंक्शनल यूनिट है वो क्यों कहा जा रहा है, इसे फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऑल रिएक्शंस आर अकरिंग हियर। ओके, ऑल रिएक्शंस आर अकरिंग हियर, सारे रिएक्शंस यहां होते हैं, यानी कि सारे के सारे हमारी बॉडी के फंक्शंस कहां से रेगुलेट किए जा रहे हैं, सेल के थ्रू रेगुलेट किए जा रहे हैं। एंड स्ट्रक्चरल इसे इसलिए कहा गया क्योंकि यह हमारी बॉडी को बनाता है, इट मेक्स आर बॉडी। जैसे एक ईंट है, ओके, एक ईंट है, उसे आप क्या बोलते हैं, ब्रिक को आप बेसिकली क्या बोलते हैं, आप उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बिल्डिंग, बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि समझ लीजिए एक ब्रिक है, ओके, ये एक ब्रिक है। अब ये जो ब्रिक है ये आगे चल के क्या बनाती है, ये आगे चल के बनाती है कंप्लीट बिल्डिंग, एक कंप्लीट घर। तो क्या हुआ, एक घर का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है ना, बेस कौन है, फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है, ईंट है। तो ईंट आगे चल के जैसे हाउस बनाती है, इसी हिसाब से आपका जो सेल है ये आगे चल के क्या बनाएगा, ये जो आपका सेल है मेरे दोस्त, ये आगे चल के क्या बनाएगा, ये जो सेल है ये आगे चल के आपकी पूरी बॉडी बना देगा, राइट, ये आपकी पूरी बॉडी बना देगा। इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया और इसी के अंदर से इन सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं तो इसे फंक्शनल यूनिट भी कह दिया गया। अदर देन दैट, चैप्टर लिविंग वर्ल्ड जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था मेरे दोस्तों कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी प्रेजेंस ऑफ सेल इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी जिस ऑर्गेनिज्म में सेल है वो लिविंग कंसिडर किया जाएगा और जिसमें सेल नहीं है वो लिविंग कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसीलिए वायरस को आप लोग नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि उसके पास खुद की सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ तभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है रिएक्शंस के अंदर जब वो किसी और होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर घुस चुका हो। यानी अगर मैंने टेबल पे वायरस पड़ा हुआ है देन इट इज नथिंग बट इट इज लाइक अ इनएक्टिव प्रोटीन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लेकिन जब वो मेरी बॉडी के अंदर घुसेगा तो वो मेरे सेलुलर मशीनरी को ओवरटेक कर लेगा और तब जाके हम उसे कह सकते हैं कि हाँ यार लिविंग रिएक्शंस में पर्टिकुलरली अपना योगदान जो है दे रहा है।
तो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है दोस्त? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है द प्रेजेंस ऑफ सेल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स दैट एन ऑर्गेनिज्म पोजेस, देयर कुड बी टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट? ऑर्गेनिजम्स को आप अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. इसमें से एक तरीका क्या है, अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल है तो उसे आप क्या बोलोगे, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. लेकिन अगर एक से ज्यादा सेल्स हैं उसके अंदर तो आप क्या बोलोगे भैया, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोल दोगे. जैसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, आपने किंगडम मोनेरा को पढ़ लिया है, किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ लिया है. आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है मेरे दोस्त कि किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे और प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे. सिंस उनमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट था तो वो आपके क्या थे, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. उसके अलावा ज्यादातर फंगस, ज्यादातर प्लांट, सारे के सारे एनिमल्स क्या थे, मल्टीसेल्यूलर थे. तो यहां पर क्या क्या बातें हमें हाईलाइट करनी है दोस्तों, यहां पर सेल जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. इसे डिफाइनिंग फीचर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी कहा जाता है. एंड ऑर्गेनिजम्स को आप यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सेल्स हैं. ये आपका बेसिक एस्पेक्ट हो गया. नाउ व्हाट इज सेल? अगर आप देखें तो जिंदा रहने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है प्रेजेंस ऑफ सेल, यानी प्रेजेंस ऑफ सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किसी भी चीज के अंदर तो आपके अंदर सेल होना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है. यानी अगर एक वायरस भी अपनी लिविंग एक्टिविटीज को शो करना चाहता है तो उसे भी एक होस्ट सेल की जरूरत पड़ेगी. तो प्रेजेंस ऑफ सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन यहां पर एक जो सेल है ये भी आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है. लेट्स से एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है, लेट्स से एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है, तो हमें ऐसा लगता होगा यार यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या ही कर सकता होगा, इस पे तो ले देकर टोटल एक ही सेल है. तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म काफी कुछ कर सकता है दोस्त. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ क्या क्या कर सकता है ये देखो एक बार. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ क्या क्या कर सकता है, सबसे पहली बात ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी अपने सारे के सारे काम कर सकता है. जैसे एक बैक्टीरिया है भाई, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है एज अ सोलो ऑर्गेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं है उसको, किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है. जैसे आप अकेले रह सकते हो, बैक्टीरिया अकेले रह सकता है, उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देखने को मिलेगी. और ये इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्यों मिलती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, आप अकेले क्यों रह सकते हो, किसी के साथ ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप क्यों नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपकी बॉडी सारे के सारे फंक्शंस कर सकती है जो कि सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है. यानी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसीलिए एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, बिकॉज इट इज एबल टू परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस, टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ, नेसेसरी फॉर लाइफ. ये लाइफ के लिए जो भी नेसेसरी फंक्शंस हैं उनको बहुत आसान तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अकेले रह सकते हैं. और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो तो क्या ही बात है यार, वो तो फिर बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव करता ही है. इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो कि आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एकदम इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम पर, जहां पे चैप्टर स्टार्ट होता है. सबसे पहला नाम जो है वो है आपका रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक साहब है, इनका कहना है कि इन्होंने एम्प्टी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखा जो उन्होंने कहा कि इज द सेल, बट एक्चुअल में इट वॉज द डेड सेल. इन्होंने डेड सेल देखा, यानी इन्होंने बेसिकली सेल वॉल देखी, सेल इन्होंने देखा ही नहीं. असली जो लिविंग सेल है वो किन्होंने देखा, वो आपका देखा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. इन्होंने सबसे पहली लिविंग सेल को देखा. तो ये डेड और लिविंग जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला सेल किसने देखा अगर पूछा जाए तो डेड सेल, रॉबर्ट हुक. और पहला लिविंग सेल किसने देखा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. इसके बाद एक और नाम आता है, दैट इज रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया भैया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, राइट?
न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। न्यूक्लियस जिसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, इस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किन्होंने करी? आपके रॉबर्ट ब्राउन साहब ने करी। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट्स होने लगे इन द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपी, धीरे धीरे चीजें हमारे सामने निकल करके आने लगी। जैसे एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब हैं, इनको बहुत ज्यादा शौक था माइक्रोस्कोपी का, लेंसेज का काम करते थे ये, तो बेसिकली इन्होंने काफी सारी चीजों को देखा। इन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ को देखा, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा, बैक्टीरिया को इन्होंने देखा, स्पर्म सेल को इन्होंने देखा, छोटे छोटे क्रिएचर्स को ऑब्जर्व करने का बहुत भारी शौक रखते थे लीवेनहॉक साहब। लेकिन हर चीज को सिर्फ एक नॉर्मल सिंपल या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख पाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि अब राइबोसोम्स है, उनका साइज नैनोमीटर्स के अंदर है दोस्त, उसको आप लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप से कभी नहीं देख पाओगे, उसको आपको देखना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होती रही माइक्रोस्कोपी की फील्ड के अंदर, चीजें और ज्यादा क्लियर होती रही और एक सेल की बेटर पिक्चर हमारे सामने आती रही। उस सेल की बेटर पिक्चर को ही हमें देखना है इस चैप्टर के अंदर। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? द ओवरव्यू ऑफ सेल, राइट? तो यहां पर देखो, प्रेजेंस ऑफ सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह हमें पता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और अपने सारे के सारे फंक्शन अकेले कंप्लीट कर सकता है। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल को देखा डेड को, लीवेनहॉक साहब ने लिविंग सेल को देखा और ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। सो व्हाट वी हैव रेड टुडे, वी हैव रेड अबाउट सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड वी हैव रेड अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ सेल। अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा आपके पेड बैच के अंदर। मेरे दोस्त, मैं सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और 15 फेब के आसपास आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक्स्ट्रा एज एनसीईआरटी वीडियोस संडे को आएंगी और उसके बाद आप 15 दिन और लगा लो एक्स्ट्रा एज एनसीईआरटी वीडियोस के लिए, तो लगभग 1 मार्च तक आपका बैच के ऊपर सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। तो अगर आपका नीट का रिजल्ट आया एंड इफ यू वॉन्ट टू इनकॉर्पोरेट योर सेल्फ इन द बैच, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अप्रैल मई और जून फिर हम बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट सीरीज भी आपकी लगभग मान के चलिए 15-20 दिन के अंदर लाइव हो जाएगी उन बच्चों के लिए जो कि पेड बैच में है, और जो बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं ऑब्वियसली उनके लिए भी। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बायोलॉजी अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी का कोर्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री अलग से पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आप कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं, सेपरेट कोर्स भी ले सकते हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड दे आर लाइक हाईली अफोर्डेबल, तो प्लीज गो फॉर देम। एंड अदर देन दैट यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल द मार्क्स ऑफ लर्निंग ऐप। यहां पर आपको मेरा क्वेश्चन बैंक मिलेगा विच इज वेरी वेरी कॉस्ट एफिशिएंट। सिर्फ 10 रुपए में आपको बायोलॉजी के 10,000 से भी ज्यादा बेहतरीन चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो रेदर देन स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, यू कैन स्क्रॉल द मार्क्स ऑफ लर्निंग ऐप। एंड दोस्तों, मार्क्स ऑफ लर्निंग ऐप नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि कोई भी चैप्टर जब कंप्लीट होता है तो उसके पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल सके और बहुत ही बेहतर तरीके से आप उन्हें पढ़ सके। तो नोट्स के लिए मार्क्स ऑफ लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। इन द नेक्स्ट टॉपिक we would be talking about the cell theory and overview of cell. So please make sure to subscribe to this channel for daily videos. अब से videos daily आएंगी और अगर इनकेस कुछ ऊपर नीचे होता भी है schedule, तो उसके लिए मैं पहले ही videos बना करके आप लोगों को update कर दूंगा। And एक बार please मुझे बता दीजिए कि आपको marathons चाहिए या फिर topic wise videos चाहिए, क्योंकि अगर हम marathon लेते हैं तो उसको भी हम topic wise clip करके फिर next day upload कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रात को हम लोग रोज marathon ले या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन marathon ले, just let me know in the टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार फटाफट जाके अपने ओपिनियंस वहां पर पोस्ट कर दीजिए, एक पोल आपको आज मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई विल श्योरली बी कैचिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म करते हैं, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसको जल्दी अगर खत्म कर लिया तो बायो मॉलिक्यूल्स और सेल साइकिल सेल डिवीजन चुटकियों में निकल जाएगा। कोशिश करेंगे कि अगले 7-8-9 दिन के अंदर इन तीनों चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कर दें, जिसके बाद बचे हुए छोटे छोटे चैप्टर्स करना बहुत आसान हो जाएगा। और रैंडमली भी हम, क्योंकि सेल बेस बनाता है, अगर सेल अच्छे से समझ में आ गया तो हम प्लांट फिजियोलॉजी का कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, फिर हम बायोमोलिक्यूल समझने के बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो 12th क्लास का उसे उठा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी उठा सकते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस करने के बाद, तो काफी चैप्टर्स अनलॉक हो जाते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डू इट इन द स्टार्टिंग। तो लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत बेसिक थे इसलिए उन्हें किया, अब सेल की बारी है, उसके बाद वी कैन रिज्यूम प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम अकॉर्डिंगली। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद।